हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग। मेरा नबील है। एप्पल का असिस्टिव एक्सेस जो iOS 17 का नया फीचर है वो कैसे आप यूज कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसको सेटअप करना, यूज करना बहुत इजी है सीनियर सिटीजन्स या फिजिकल डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए, और उन लोगों के लिए जिनको फोन यूज करने सही से नहीं आता है, या फिर उन लोगों के लिए जो अपना स्क्रीन टाइम कम करना चाहते हैं, फोन का यूजेज मिनिमम करना चाहते हैं, उनके लिए काफी सही फीचर है। कैसे इसको सेटअप करना है, कैसे यूज करना है, आइए देखते हैं। अभी असिस्टिव मोड जो है ऑन कैसे करना है आपको बता देता हूँ। सेटिंग में आपको चले जाना है आपके आईफोन की, iOS 17 में होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। और उसके बाद एक्सेसिबिलिटी में चले जाना है, फिर सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे जनरल टैब के अंदर आपको देखने मिलेगा असिस्टिव एक्सेस, इस पे टैप कर लो और यहाँ पे सेटअप असिस्टिव एक्सेस के ऊपर आपको टैप कर लेना है। अब यहाँ पे ये एक आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड मिल जाएगी जो कि सेटअप करने में आपको मदद करेगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एसोसिएटेड विद नबील, तो आपको अगर एप्पल आईडी चेंज करनी है इस डिवाइस की तो वो कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे फिलहाल मैं अपनी एप्पल आईडी बताता हूँ। रोज और ग्रिड दो मोड मिलते हैं। ग्रिड के अंदर जो आइकन्स है वो बड़े बड़े रहेंगे और रो के अंदर जो टेक्स्ट है वो बड़ा रहेगा। तो फिलहाल मैं रोज ले लेता हूँ ताकि आपको इजीली समझा सकूं। ऑप्टिमाइज कौन से एप्लीकेशन है असिस्टिव टच के लिए, तो ये एप्लीकेशन ऑप्टिमाइज है क्योंकि एप्पल के खुद के है और सबसे इंपॉर्टेंट है। कॉल, कैमरा, मैसेजेस, म्यूजिक और फोटो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है अकॉर्डिंग टू एप्पल। और यहाँ पे जो अदर एप्लीकेशंस है जो कि उनके लिए बने हुए नहीं है लेकिन फिर भी आप इनको होम स्क्रीन पे ऐड करके रख सकते हो। तो आपको जैसे व्हाट्सएप वगैरह लगता है, जो लगता है आपके लिए इंपॉर्टेंट वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। जीमेल ऐड कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे जीमेल ऐड कर देता हूँ। और जीमेल के लिए क्या परमिशंस लगती है क्या नहीं वो सब आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यू कर देते हैं और यहाँ पे एक यूट्यूब में ऐड कर देता हूँ इसके अंदर, और एक व्हाट्सएप जो है ये भी एक नेसेसरी एप्लीकेशन है तो इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। और एप्पल के रिकमेंडेड जो एप्स है, जो इंपॉर्टेंट एप्स है, उसको आप जब ऐड कर देते, फोटोज में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, म्यूजिक ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पे जो है मैं जब कैमरा ऐड करता हूँ तो कैमरा में भी क्या क्या ऑप्शंस मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ, मतलब फोटो ही ले कैमरा या वीडियो ही ले या फिर फोटो वीडियो दोनों ले, तो वो भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। और कॉल्स पे भी जो है मैं यहाँ से टैप कर देता हूँ। अब यहाँ पे कॉल्स के अंदर भी कौन से कॉन्टैक्ट्स को कॉल करना अलाउ करना है यहाँ से ऐड करते जा सकता हूँ, और कॉल किससे आ सकते हैं इसको भी यहाँ पे अलाउ कर सकता हूँ, ऑल कॉन्टैक्ट्स या सिलेक्टेड कॉन्टैक्ट्स। और इन कॉल ऑप्शन में कीपैड और स्पीकर ये दोनों ऑप्शन भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे कंटिन्यू कर लेते हैं। अब यहाँ पे बता रहा है कि इमरजेंसी कॉल कैसे करना है, सिस्टम नोटिफिकेशन कैसे नजर आएंगे, सॉफ्टवेयर अपडेट्स कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको एंड करना पड़ेगा असिस्टिव टच। ये सब तो ठीक है, कंटिन्यू कर लेते हैं। और आपका असिस्टिव एक्सेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। एंटर असिस्टिव एक्सेस नाउ पे टैप कर लीजिए। अब यहाँ पे असिस्टिव एक्सेस का पासवर्ड जो है, जो अभी आपने बनाया है, वो डाल देना है। अब यहाँ पे एंटरिंग असिस्टिव एक्सेस पे चला जाएगा ये। अब गाइस, असिस्टिव एक्सेस जो है हम एंटर कर चुके हैं यहाँ पे, जिस ऑर्डर में हमने एप्लीकेशंस को ऐड किया है उस ऑर्डर में यहाँ पे ऐड हो गया। आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे समझो मुझे किसी को कॉल करना है तो कॉल पे मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा तो जितने कॉन्टैक्ट्स अपने एडेड है वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं। उसके अलावा आप चाहे तो और कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हैं। कैमरा के अंदर आप चले जाएंगे तो देखिए यहाँ पे कैमरा में फोटो वीडियो लेने के ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। फोटो पे टैप करूंगा तो यहाँ पे देखिए सीधा सिंपल है, एक फोटो फोटो ले लिया, कोई भी दूसरी लेंस पे आप स्विच नहीं कर सकते। मतलब बेसिक मोड है, जिनको प्रॉब्लम होती है देखने में या फिर फोन यूज करने में, सीनियर सिटीजन हो सकते हैं या फिजिकल डिसेबिलिटी वाले लोग हो सकते हैं, उनके लिए जो है ये परफेक्ट है। अब यहाँ पे बैक कर लेते हैं, मैसेजेस में जाते हैं, यहाँ पे किसका मैसेज आया वो आपको नजर आ रहा है। जैसे ये मैसेज मैं ओपन कर लेता हूँ, अब यहाँ पे मुझे न्यू मैसेज पे टैप करूंगा तो देखिए कीबोर्ड का ऑप्शन है, चाहे तो कीबोर्ड आ जाएगा। मैं इसे टैप करके यहाँ पे जो है कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। बैक का बटन भी काफी बड़ा है। और अगर मेरे को मैसेजेस के अंदर ही वीडियो लेना है, मतलब किसको प्रॉब्लम होता है वीडियो लेके मैसेज कर सकता है, यहाँ से वीडियो सेल्फी सीधा ऑन हो जाएगा और वीडियो सेंड हो जाएगा। इमोजी भी जो है बड़े बड़े आपको इस तरीके से नजर आएंगे। फोटोज देख लेते हैं कैसे नजर आ रहे हैं, तो फोटोज पे टैप करेंगे, देखिए फोटोज यहाँ पे जो है इस तरीके से आपको देखने मिल जाएंगे। और अगर आप ओपन करते हैं यहाँ पे YouTube देखते हैं कैसे ओपन होता है, तो YouTube अभी ऑप्टिमाइज नहीं है उसके लिए, जैसे बताया था एप्पल ने वहां पे लिखा था। तो YouTube अपना नॉर्मल ही चलेगा लेकिन उससे बैक होना है जो है वो इजी रहेगा। जीमेल और व्हाट्सएप का भी वैसे ही, व्हाट्सएप तो खुल ही नहीं रहा है मेरा, यहाँ पे दिखाता मैं आपको। तो ये अभी फिलहाल बीटा वर्जन में है, आगे जाके ये एप्लीकेशंस भी जो है इसके लिए ऑप्टिमाइज हो जाएंगे। बट अभी जो चीज ऑप्टिमाइज है वो है म्यूजिक, कैमरा, कॉल्स और आपका गैलरी। तो ये चीजें हैं और बहुत ही सिंपल और इजी तरीका है और बहुत सही है मेरे हिसाब से। और जीमेल का यहाँ पे देखिए नया नोटिफिकेशन आया है कि जीमेल में नया ईमेल है, तो यहाँ पे आ गया है। आप जीमेल ओपन करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। और इसको एग्जिट करना भी बहुत इजी है, ट्रिपल टैप करना है यहाँ पे 1 2 3, और असिस्टिव एक्सेस का जो पासवर्ड है वो यहाँ पे एंटर करना है और एग्जिट हो जाएगा ये। और जब एग्जिट हो जाएगा तो यहाँ पे एग्जिटिंग असिस्टिव एक्सेस लिखा आएगा और आपका फोन रिस्टार्ट होगा। और अगर आपको फिर से असिस्टिव एक्सेस जो है उसको ऑन करना है तो आपको यहाँ पे फिर एक्सेसिबिलिटी में जाके यहाँ पे असिस्टिव एक्सेस में जाना है और यहाँ पे स्टार्ट असिस्टिव एक्सेस पे क्लिक करके उसका पासकोड एंटर करके असिस्टिव एक्सेस आप ऑन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप असिस्टिव एक्सेस को यूज कर सकते हैं। बहुत ही काम की चीज है, बहुत ही यूजफुल चीज है उन लोगों के लिए जिनको फिजिकल डिसेबिलिटी है, सीनियर सिटीजन है, फोन यूज करने के इतने आदि नहीं है, या आप भी यूज कर सकते हैं अगर आपको फोन का यूजेज जो है अपना मिनिमम करना है, फालतू टाइम पास नहीं करना है फोन पे, सिर्फ प्रोडक्टिविटी, लोगों से कॉन्टैक्ट करना है, तो इस तरीके से आप अपना फोन भी सेटअप कर सकते हैं। आपको कैसा लगा असिस्टिव एक्सेस फीचर, मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइए। दोस्तों आपका वीडियो पसंद आपका पसंद को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।